1914 में जब बरतानिया ने तुर्क खिलाफत के खात्मे का इरादा जाहिर किया तो पूरे आलम इस्लाम से नौजवान खिलाफत बचाने तुर्की पहुंचे, लेकिन खिलाफत को बचाने की ये कोशिशें बराबर ना हो सकी और ये नौजवान शिकस्त का दाग सीने पर लिए वापस ना आ सके और वहीं पर बस गए। ये कहानी एक ऐसे किरदार के गिर्द घूमती है जिसने पाकिस्तान से अपना ताल्लुक जोड़ने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया और इस मकसद को पाने के लिए पाकिस्तान पहुंचा। चाय आ गई। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, एवत एवत, अरे अरे बख्ते अमा बिरशे यराम दे विला दा यशोलार दे शिम दे बराजे इंशा इतलर एवत गस्त दे रकलम दा वर्देम अमा बिरशे अमा गरे दनुश उल्मा दे तमाम बिरशे बोल दुखम सना बिल बिल दरखिन मरहबा राफिस। तुम परेशान ना हो, हमारी कौम का मिजाज ही कुछ ऐसा है। अब यही देख लो, बांग्लादेश भी कभी पाकिस्तान का हिस्सा था। सही है, ना तुर्की से मोहब्बत का रिश्ता, ना तुम भूले ना हम भूले। हाँ, मुझे उम्मीद है तुम्हारे घर वाले ज़रूर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मायूस मत होना, कहते हैं ना मायूसी कुफर है। तुम्हें मैं अपनी किताब सेंड करूँगा, मैंने लिखी है। पूरी लिख ली तुम? पूरी लिख ली है, मैं तुर्की में अगले महीने पब्लिश कर रहा हूँ और तुम्हें मैं आज सेंड करूँगा जैसे ही पहुँचूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल मैं दे रहा हूँ, बिल मैं दे रहा हूँ आज। इस बार बिल मैं दूंगा, तुम मेरे मेहमान। नहीं 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 नहीं, बिल मैं दे रहा हूँ। कितना हो गया? हेरो लो, पैसे रख लो, बस निकलते हैं फिर जल्दी, बस ठीक है, क्योंकि आगे भी हमें पहुँचना है। चलें भाई जान, यार एक चाय लाने। हाँ एक चाय। अरे भाई जान इधर आएंगे? हाँ यार, बस कुछ नहीं यार, एक काम करो, चाय छोड़ दो, रहन दो। और हाँ चाय रहने दो, शुक्रिया।
क्या ढूंढ रहे हो? तस्वीर। तस्वीर नहीं है। तस्वीर नहीं है? देखो बैग में ही होगी। मैंने होटल में दिखाई थी। गाड़ी में तो नहीं है? होटल में निकाली थी। आखिर ये तस्वीर मैंने कहाँ देखी है? ये तेरी बेटी नीलम की भी अब उम्र हो गई है शादी की, कभी सोचा है इस बारे में? जी बाबा, रिश्ते तो बहुत आते हैं, जब जैसे ही कोई मुनासिब रिश्ता मिला इसके भी हाथ पीले कर देंगे। आमीन आमीन, अल्लाह करे बेटी, अल्लाह करे, अल्लाह करे। बेटा तुम मेरे कितना ख्याल रखते हो, इतना तो कुछ सगे भी नहीं रखते। बाबा तो हम क्या सुतेले हैं आपके, रिश्ते में दादा लगते हो हमारे। ठीक है बेटा। हाँ बाबा, तारिक का फोन आया था शहर से, कह रहा था कि मुलाजमत के लिए किसी इंटरव्यू में जाना है, दुआ करना। आमीन बेटे, आमीन, जरूर जरूर बेटा, आमीन आमीन बेटा। हम इधर ही बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम। यार यहाँ पर हमारी कल एक तस्वीर गिर गई थी, आपने देखी तो नहीं? मैंने तो नहीं देखी, अगर किसी को मिली भी होती तो मुझे बता देते। किसी से पूछो, किसी बंदे से पूछो। असलम जी भाई, कल कोई तस्वीर नहीं मिली? नहीं शौकत भाई, मुझे कोई तस्वीर नहीं मिली। यार एक काम करो, मोबाइल है ये मेरा नंबर है, ठीक है? कोई तस्वीर, कुछ पता चले तस्वीर के बारे में, किसी तस्वीर के बारे में तो कॉल कर देना, बहुत बहुत मेहरबान होगी। ठीक है, कॉल कर, ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया।
मैं ये तस्वीर ले तो आया हूँ, लेकिन जिसकी ये तस्वीर है वो परेशान हो रहा होगा। इंटरव्यू के बाद होटल जाकर उसे अपना नंबर दे देता हूँ ताकि वो मुझसे फिर रابطہ कर सके। वालेकुम सलाम तारिक बेटा, ठीक हो? बिल्कुल ठीक। कैसे आना हुआ? ये कौन है बाबा, ये तस्वीर में जो बंदा? ये तो मेरे चचा शेर बहादुर की तस्वीर है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? बाबा ये तस्वीर मुझे एक होटल में जमीन पर पड़ी मिली। वापस करने का सोचा, तभी ख्याल आया कि ऐसी एक तस्वीर बचपन में मैंने आपके पास देखी थी, तभी पूछने आ गया। बिल्कुल बेटा, ये तो हमारी चचा की तस्वीर है। जैगम यार, तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह तस्वीर मिल जाएगी। यार बहुत परेशानी की है, तस्वीर ना मिली तो मैं अपने बाप से किया हुआ वादा पूरा ना कर पाऊंगा और अपने खानदान से नहीं कर पाऊंगा। वादा? कैसा वादा? मैंने बाबा से वादा किया था कि मैं इधर आके अपने दादा से मिलूंगा और पुराने रिश्ते कर पाऊंगा। चलो चलो, तुम परेशान ना हो, अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम भाई, तस्वीर का कुछ पता चला? नहीं, कोई पता नहीं चला। यार क्या है, लड़का आया था वो तस्वीर का पूछ रहा, आपको कोई पता चला नहीं? जब आपने नंबर दिया है मुझे, अल्लाह का शुक्र है। मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? तो चेक करता हूँ। हेलो, कौन जनाब? अस्सलाम वालेकुम, मैं जैगम बोल रहा हूँ। इधर एक पिक्चर छोड़ गया था मैं रेस्टोरेंट में। जी जी बिल्कुल, मैं तारिक बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही जगह कॉल किया आपने। आपकी तस्वीर मेरे पास है और एड्रेस में अभी आपको मैसेज कर रहा हूँ। जी जी, ओके, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, मरहबा। चलो चलो बाबा, आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। जी, वो जिनकी तस्वीर थी ना, उनकी कॉल आई थी, उस तस्वीर को लेने आ रहे हैं। अच्छा जी, तो बहुत अच्छी बात है बेटे। जी मुझे लगता है कि जिनकी तलाश थी ना, वो तलाश अब खत्म होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे बेटा, अल्लाह करे बेटा। जी
بابا یہ امیر اکبر ہے اور یہ زیغم ہے، یہ وہی ہے جس کی تلاش آپ کو برسوں سی تھی، شیر بہادر کے پرپوتے اور آپ کے پوتے۔ تم سچ بول رہے ہو؟ جی ہاں بابا، میں سچ بول رہا ہوں، یہ وہی ہے، شیر بہادر خان کا پرپوتا، شمشیر خان کا پوتا اور سلمان خان کا بیٹا۔ بیٹا؟ بیٹا، شیر بہادر خان تو میرے چچا تھے، تو تم تو میرے پوتے ہوئے نا۔ آنکھیں ترس گئی تھی اپنے چچا کو خون کو دیکھنے کے لیے۔ میرے بچے، پتہ نہیں کہاں کہاں آپ کو تلاشی کی، اور ملے بھی تو کس طرح؟ شکر ہے اللہ کا، مجھے تو خواب لگ رہا ہے۔ چلو بیٹے، گھر چلتے ہیں، ریشما نیلم دیکھ کے بہت خوش ہوں گی۔ آؤ بیٹا۔ रेशमा, रेशमा देखो कौन आया है। मुझे यकीन था अल्लाह करेगा एक दिन जरूर शेर बहादुर खान की औलाद में कोई जरूर आएगा, और अल्लाह ने किया। आप आ गए बेटे, आए आए, बैठे बेटा, बैठो बेटा, बैठे। रेशमा, रेशमा आओ ना। रेशमा, ये शेर बहादुर खान का परपोता, सुलेमान खान का बेटा है, जिन्हें सदियों तलाश कर रहे थे, अल्लाह ने आज दे दिया, आखिर पहुंचा है अपनी जगह। सच बाबा? हाँ बेटे, ये अपना जख्म है। सलाम, मरहबा। یہ ریشما ہے، اس عورت کی نوازی جسے شیر بہادر خان کی شادی ہونا تھی۔ یہ نیلم ہے، بالکل اپنی نانی پہ گئی، وہی صورت۔ بیٹا، ان کے لیے روٹی کا انتظام کرو۔ جی بابا۔ جاؤ میرے بچے۔ کاش شیر بہادر واپس لوٹ آتا بیٹے۔ بابا، میں تو رشتے ہی جوڑنے آیا ہوں۔ میرے بیٹے، میرے بیٹے،